Now we have question number 3 for us. Exercise 19.2, unit 19, class 10 mathematics. Question number 3. इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप इसे क्या लिखा रहा है, व्हाट वैल्यू ऑफ x? मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात आ रही है। ये मैंने आपको बताया जैसे कि पहले कि इसका ताल्लुक डिटर्मिनेंट से है, कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो इस डिटर्मिनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास मैट्रिक्स दो एग्जाम बन जाती है, दो एग्जाम बन जाती है, एक कहलाते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स और एक कहलाते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो तो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, अगर डिटर्मिनेंट जीरो ना तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। तो हमारे पास यहां पर दो एग्जाम्पल चली हमें मैट्रिक्स की, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बेस्ड ऑन द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। 11 मुख्तलिफ मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट निकाल चुके हैं, वो डिटर्मिनेंट डिटरमाइन ये करवाए कि वेदर मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अगर वो सिंगुलर है तो इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट जीरो है, अगर वो सिंगुलर नहीं है तो इसका मतलब वो उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, कुछ और है, माइनस के प्लस के कुछ भी जीरो नहीं। यानी कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो तो हम कहेंगे कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, और किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो ना हो तो वो कहलाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये बात ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद आगे हम चलेंगे कि हमने क्यों ऐसा किया है कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को अलग किया है, कोई ना कोई रीजन तो इसका होगा। आगे जब हम पहुंचेंगे पोजिशन तक तो वहां आपको बताएंगे बात के लिए क्या इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी इस बात की जो बात मैंने आपको बताई है। हम लोग देख रहे हैं कि सवाल का जब क्या पूछा हो उससे, इस सवाल में पूछा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स जिसमें एक माइनस फाइव माइनस एक्स है, एक एक्स प्लस वन है, एक टू है, फोर है, ये सिंगुलर होगा। अगर डिटर्मिनेंट जीरो होगा तभी मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, वरना मैट्रिक्स सिंगुलर नहीं होगा। तो आप देखिए सवाल को अटेम्प्ट करने का मेथड किस तरह से होगा, इसको मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूं इसका। और मैं कहता हूं कि सिंस जो सवाल में कहा है कि सिंस ये मैट्रिक्स जो है फाइव माइनस एक्स एक्स प्लस वन टू और फोर इज सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर है उसने कहा, देयरफॉर इसका डिटर्मिनेंट जो है दैट इज फाइव माइनस एक्स एक्स प्लस वन टू और फोर का जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो के बराबर होगा। ये इसने सवाल में कहा हुआ है आपसे, जनाब कि चूंकि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है सवाल में इसने कहा हुआ है, इसका मतलब ये होगा लिहाजा इसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर होगा क्योंकि सिंगुलर है। इसलिए अब ये डिटर्मिनेंट तुम्हें जीरो बराबर है फाइन एक्स का, मैं तो मुश्किल क्या रही है, मुश्किल क्या रही है कि हम यहां पर फॉर्मूला पुट करते हैं डिटर्मिनेंट का, इट इज फाइव माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय फोर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय टू, इन दोनों मल्टीप्लाई करके आंसर दिया और ये पूरा जीरो के बराबर आ रहा है। हमने यहां पर लिखा कि डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर है, टू जीरो बराबर है, क्योंकि मैट्रिक्स दिया हुआ है सिंगुलर है, इससे उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर है, क्योंकि मैट्रिक्स दिया हुआ है वो सिंगुलर है, लिहाजा उसका डिटर्मिनेंट जीरो बराबर होगा। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, फाइव माइनस एक्स मतलब दोनों माइनस ट्वेंटी फिफ्टी से निकालेंगे तो ये हो जाएगा ट्वेंटी माइनस फोर एक्स, ठीक है, माइनस बीच में फॉर्मूले है और जो एक्स प्लस वन बन रहा है टू है, एक्स और वन दोनों टू से मिलाएंगे तो जाएगा टू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, ठीक है क्या। अब मैं इसके ब्रैकेट खोलूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास ट्वेंटी माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, एटीन माइनस सिक्स एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब मैं यहां पर एक्स निकाल रहा है तो मैं एटीन को तो देख दूंगा तो इट विल बिकम माइनस सिक्स एक्स इक्वल्स टू माइनस एटीन, लेकिन वहां पर इधर प्लस कर माइनस हो जाएगा और एक्स निकालने के लिए माइनस एटीन अपॉन माइनस सिक्स तो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये मेरा आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड कर दी, मुझे कहा जाता है कि मैट्रिक्स सिमिलर है तो मैंने कहा चूंकि मैट्रिक्स सिमिलर है लिहाजा इसका डिटर्मिनेंट जीरो बराबर होगा, और इसका डिटर्मिनेंट पुट करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू फॉर्मूला पुट करके मैंने जीरो बराबर और ये आपके सामने एक्स कैलकुलेट कर दिया। ये मेरे एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया। और आप क्वेश्चन नंबर फोर देखेंगे तो भी इसी से रिलेटेड है, मुझे अब इस तरह से पूछा हुआ होगा अगले सवाल में कि उस पर कुछ मैट्रिक्स दिए हैं और कह रहा है बताओ कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, तो क्या करना पड़ेगा, उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके हम देखेंगे कि क्या डिटर्मिनेंट उसका जीरो है या नहीं है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो सिंगुलर होगा, अगर डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर होगा।
क्वेश्चन नंबर फोर में लिखा हुआ है क्लासिफाई, अलग अलग करना है दी स्क्वायर मैट्रिसेस, जो स्क्वायर मैट्रिसेस इस तरह में दिए हुए हैं एज सिंगुलर, इसमें सिंगुलर कौन सा है, और नॉन सिंगुलर गिवन बाय दो मैट्रिक्स उसने में दिए हैं ए और बी करके, पहले ए मैट्रिक्स उसने यहां लिखा था, उसने सवाल लिखा था उसने ए मैट्रिक्स मेरे पास है 0, 2, -1, 3, 2, -2, 1 और 3, 2 और -1, ये ए है और उसके बाद बी दिया हुआ है और बी में लिखा हुआ उसने 0, 2, -1, 3, -2 और 1 और 3, 2 और 1, ये आपके सामने दो मैट्रिक्स हैं, एक ए है एक बी है। अब हम क्या करेंगे, अगर फाइंड करना है कि अगर सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, तो पहले हम ए मैट्रिक्स को ले लें कि ए मैट्रिक्स जो है वो मेरा बराबर है 0, 2, -1, 3, -2, 1, 3, 2, -1 के। मैंने सॉल्यूशन का आगाज कर दिया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैं फाइंड कर लूंगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है वो फाइंड कर लूंगा, तो उसमें डिटरमिनेंट निकालने की कोशिश करते हैं हम, जाएगा 0, -2, 1, 2, -1, माइनस फॉर्मूले का 2 × 3, 3, 1, -1 प्लस फॉर्मूले का -1 × 3, 3, -2, 2, ये आपके सामने जो निकल रहा है इसका, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यहां देखिए -2 के साथ -3 हो जाएगा -6 करता हूं, दिखाता हूं -3 हो गया प्लस -1 हो जाएगा, उसके बाद 3 × 6, 6 और -+6 हो जाएगा, ये आपके सामने बन जाएगा -2 × -9 -1 × 12 दैट इज, ये तो 18 − 12 दैट इज 6। तो हम कहेंगे ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सॉरी मैंने क्यों कहा, क्योंकि ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं आया, इसलिए मैंने कहा कि ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जैसे कि मैंने कहा इसमें सवाल निकाल सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्लास कीजिए। अब उसके बाद हम उसको ले लेते हैं बी मैट्रिक्स को, देखिए बी मैट्रिक्स यहां दिखा रहा है सामने, इसका मैं डिटरमिनेंट निकाल लेता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ बी बराबर आ जाएगा मेरे पास 0 × -2, 1, 2 और 1 -2 × 3, 3, 1, 1 + -1 × 3 and 3 and -2 and 2, तो बी का मतलब ऐसे रहेगा ये सारा जीरो जाएगा, ये -2 के साथ 3 − 3 हो जाएगा और ये -1 के साथ 3 × 6 + 6, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी जो है वो अगर आएगा -2 and 0, -1 and 12, तो डिटरमिनेंट ऑफ बी आपके पास आ जाएगा 0 हो गया और -12 आएगा, तो जो बी है आपका बी भी इस नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दोनों जो है आपके सामने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक का बी आ रहा है 12 आ रहा है और एक का जो है वो 6 आ रहा है। एक दफा दोबारा रीचेक कर लेते हैं पूरे सवाल को, यहां सामने आपके इसमें ए एक सेट मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें 0, 2, -1, 3, -2, 1, 3, 2, -1 और बी इससे दिया हुआ आपके सामने 0, 2, -1, 3, -2, 1, 3, 2, 1। अब हमने इसका ए का मैट्रिक्स निकाला 0, 2, -1, 3, -2, 1, 3, 2, -1 का वैसे 0, -2, 2, 1, -1, -2, 3, 3, 1, -1, +-1, 3, 3, -2, 2, -2, ये तो 0 हो गया खत्म, ये -2 यहां पर आ गया, 3 और मल्टीप्लाई किया -1 से तो -3 और -3, -3, -6 हो गए, यहां पर ये -6 आ जाएगा और फिर ये आपके सामने 12 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसलिए ये आपके सामने ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक ये है मामला। तो दोनों चूंकि नॉन सिंगुलर आए थे इस वजह से मुझे इसमें कंफ्यूजन हो रही थी कुछ, तो मैंने इसको चेक किया है, तो हमेशा सवाल करने के बाद रीचेक करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि रिजल्ट आपने किया तो आपके सामने आया कि क्या होगा, ये 3, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 − 3 − 2 तो -6 हो गया और 12 − 1 हो गया, और उसकी तरफ से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, यहां पर -2, 2 और 1, 1 हो जाएगा, -2 ऐसे आ जाएगा, 3, 3, 1, 1 आ जाएगा, +-3, 3, -2, 2 आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, -2, 3, 3, 3, -3 हो जाएगा, -1, 3,
और ये सिंगुलर हो गया कि इसका डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है। ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर फोर एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर फोर, जिसमें हमने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा। अभी तक हम जो काम कर चुके हैं उसके नाम डिटरमिनेंट के हवाले से काम हो चुके हैं कि डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, और डिटरमिनेंट अगर जीरो हो तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाता है और डिटरमिनेंट अगर जीरो ना हो तो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कहलाता है। ये सारी बातें आप दिमाग रखिएगा। इसके अगला टॉपिक है एडजॉइंट के हवाले से, एडजॉइंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। यहां तक हमने डिटरमिनेंट की कहानी पूरी की, डिटरमिनेंट क्या होता है, कैसे निकलता है, कोफैक्टर हमने निकालना सीखे, कोफैक्टर दिमाग रखिएगा। एडजॉइंट के अंदर कोफैक्टर आएंगे दोबारा, फिर हम इंशाल्लाह अगले सेशन में इसको स्टार्ट करेंगे।